हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे सबसे फेवरेट मेकअप रिमूवर्स या माइसेलर वाटर्स के बारे में। ये ऑलमोस्ट हर बजट के लिए एक आपको मेकअप रिमूवर माइसेलर वाटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरे सबसे फेवरेट माइसेलर वाटर से, और वो है बायोडर्मा का सेंसी बायो H2O। तो सबसे पहले मैंने जब ये खरीदा था मुझे सैंपल की तरह मिला था, बट उसके बाद आई जस्ट कीप बाइंग इट। सेंसिटिव स्किन है आपकी तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और आपका आप जब मेकअप निकालते हैं ना तो यू नीड समथिंग दैट इज़ यू नो लिटिल सूदिंग आपके स्किन के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, 100 ml के लिए ये आता है ₹550, लेकिन अगर आपके पास बजट है देन डेफिनेटली दिस इज़ द वन दैट यू शुड गो फॉर। द सेकेंड वन दैट आई रियली लाइक इज द लैक्मे एब्सोल्यूट बाई फेस मेकअप रिमूवर। दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैं ऑलमोस्ट इसे खत्म कर चुकी हूँ। दिस इज एब्सोल्यूटली द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू स्टबर्न मेकअप। वो थोड़े मैट और ऐसे लिपस्टिक्स जो होते हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स स्पेशली, जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ना निकालने के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसका रीज़न है कि इसमें ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर है ये, जिसकी वजह से स्टबर्न मेकअप भी बहुत ही इजीली निकल आता है। नेक्स्ट वन दैट आई हैव इज़ मेबलिन का माइसेलर वाटर। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड माइसेलर वाटर। ये भी लिक्विड लिपस्टिक्स निकालने के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल सारे स्टबर्न मेकअप निकालने के लिए भी ये इक्वली अच्छा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से मेरा प्रेफरेंस आपको बताऊँ तो इट इज़ डेफिनेटली दिस वन। लेकिन ये अगर नहीं है तो डेफिनेटली आई यूज़ दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब मैं थोड़े क्लेंजिंग मिल्क के बारे में आपको बता देती हूँ। सो द नेक्स्ट वन दैट आई रियली लाइक इज़ इनैट्योर हर्बल्स का ऑलिव क्लेंजिंग मिल्क। तो दिस इज़ रियली गुड, लेकिन ये जो है ये क्लेंजिंग मिल्क फॉर्म में है बट वर्क्स रियली वेल। लेकिन स्टबर्न मेकअप हो अगर आपका बहुत ज़्यादा, लिक्विड लिपस्टिक्स हो मैट वाले, तो उसको निकालने में थोड़ी सी आपको तकलीफ आएगी। ये काफ़ी जेंटल है आपके स्किन के लिए और इसमें काफ़ी हर्ब्स हैं, बिकॉज दिस इज़ अ हर्बल मेकअप रिमूवर। तो इसमें कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, इसमें जर्मेनियम है, इसमें हनी है, लैवेंडर है और ऑलिव ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स हैं, मेकिंग इट वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी सूदिंग। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड वन। मैं अगेन सारे लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। द नेक्स्ट वन दैट आई हैव इज़ अश्योर का प्योरीफाइंग क्लेंजर प्लस टोनर। दिस अगेन कम्स विथ टी सीड ऑयल एंड रोज वाटर। वेरी वेरी गुड, अगेन वेरी जेंटल ऑन योर स्किन। ये नॉर्मली आप फेस मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस वन ये स्टबर्न मेकअप नहीं निकालता। लाइक लिक्विड लिपस्टिक हो या अभी मैंने जो लाइनर लगाया हुआ है, इसे निकालने में थोड़ा टाइम ले लेता है। सो अगर आप बहुत नेचुरल मेकअप प्रेफर करते हैं और नॉर्मल आपके सैटिन लिपस्टिक होती है, ऐसी लिपस्टिक जो ड्राइंग ना हो, मैट ना हो, तभी दिस इज़ वेरी गुड। ये ना ही क्लेंजर है लेकिन ये टोनर का भी काम करता है, विच मेक्स इट अ रियली गुड वन, एस्पेशली उस दिनों के लिए जब भी आपको ट्रैवलिंग जाना हो। सो द नेक्स्ट वन दैट आई हैव इज़ द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट क्लेंजिंग वाटर। राइस वाटर ब्राइट की ये जो रेंज है कोरियन स्किन केयर ब्रांड द फेस शॉप की, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप रेगुलर व्यूअर है मेरे चैनल के, आप जानते ही होंगे कि मैं राइस वाटर ब्राइट रेंज के सारे ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई लव देम रियली अ लॉट। अगेन वेरी वेरी यू नो जेंटल ऑन योर स्किन। आपका आई लाइनर निकाल देगा, आपका मेकअप निकाल देगा, लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू वेरी स्टबर्न मेकअप ये इतना अच्छा काम नहीं करता। लाइक इफ़ यू कंपेयर इट टू यू नो द ऑयल बेस्ड वंस लाइक लैक्मे एंड यू नो मेबलिन, ये उतना यू नो
हार्श नहीं है, उतना स्टबर्न मेकअप नहीं निकालता, बट नॉर्मल मेकअप जितना अभी आप देख रहे हैं मेरे फेस पे उसे ये डेफिनेटली निकालता है. दिस इज़ स्लाइटली ऑन द प्राइजियर साइड, दिस इज़ लाइक 1000 प्लस. तो ये थोड़ा बजट के हिसाब से सब लोगों के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें राइस वाटर के इन्ग्रीडियंट्स हैं. राइस वाटर इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, स्किन को ग्लो देता है, स्किन के लिए हाइड्रेटिंग होता है, उसके हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ द वन दैट आई एम यूजिंग करेंटली एंड आई एम रियली रियली लाइकिंग इट. Last one but not the least for sure is something that I really love. ये all in one है, ये moisturizer का काम करता है, ये primer का काम करता है, ये आपका face mask का काम करता है और आपके makeup को भी remove करता है. This is none other than Embryolisse Lay Creme Concentrate. This is a very very popular French brand. अगर आप Paris Fashion Week जाते हैं तो आपको ये जो एक प्रोडक्ट है ये आपको हर फ्रेंच मेकअप आर्टिस्ट के पास मिलेगा. वेरी वेरी गुड. आपको क्या करना है, आप रेगुलरली एक क्रीम जैसे लगाते हैं तो आप हाथ पे ले लें और सारे आपके मेकअप के ऊपर आप रब इन कर दें और आपके मेकअप को ये डिसॉल्व कर देगा और इजीली फिर आप एक नॉर्मल कॉटन क्लॉथ से या फिर टिश्यू से आप इसे वाइप ऑफ कर सकते हैं. और ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है बिकॉज ये मॉइस्चराइजेशन का भी काम करता है. तो दिस रियली रियली टेक्स केयर ऑफ योर स्किन. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू नो फ्रेंच फार्मेसी प्रोडक्ट, सो दीज टू आर माई एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फेवरेट, क्योंकि स्किन का ख्याल रखने में इनसे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है. But in terms of efficiency, in terms of workingness of these products, ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. लेकिन yes, अगर आप मुझे पूछें कि आप बहुत stubborn makeup करते हैं, काफ़ी layers makeup के करते हैं, liquid matte lipsticks लगाते हैं, तो वो time के लिए this one is the best bet. क्योंकि जब भी मुझे लिपस्टिक निकालनी हो या अभी जो मेरा आईलाइनर टाइप मेकअप है, मस्कारा है, उसे निकालने के लिए आई ऑलवेज ऑलवेज यूज़ दिस वन. और जब भी मैं रन आउट होती हूँ, अभी बहुत कम बचा है इसमें, तो जब भी ये ख़त्म होता है, ये एक प्रोडक्ट है जो मैं स्टॉक में हमेशा रखती हूँ, ओनली फॉर माई लिपस्टिक एंड फॉर माई आई मेकअप. ओवरऑल ये जो सारे मेकअप रिमूवर्स हैं ना, ये हर स्किन टाइप के लिए इक्वली अच्छे हैं. तो ऐसे नहीं है कि एक स्किन टाइप के लिए एक चलेगा, दूसरे के लिए दूसरा चलेगा, ऐसे नहीं है. इक्वली गुड बजट के हिसाब से. नाउ द चॉइस लाइज विथ यू. ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर दिस वीडियो. अगर आपको इसमें से कोई भी मेकअप रिमूवर, माइसेलर वाटर, क्लेंजिंग मिल्क को लेके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में पूछना ना भूलें. मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. लेकिन अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो मेरे इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विथ दैट नोटिफिकेशन बेल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.